राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी पावर में आई है और लगता है काफी जोर से आई है। पीएम मोदी चेहरा थे, अब भजन लाल का पहरा है, लेकिन लगता है भजन लाल के पहरे में उनके विधायक भी खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहे। कोई खुल्लम खुल्ला सरकारी अधिकारी को धमका रहा तो कोई सीधा जान बचाने वाले डॉक्टरों से भिड़ रहा, और भीलवाड़ा में तो ऐसे विधायकों की हैट्रिक लग गई है। पहले लाला राम बैरवा, फिर उदयलाल भड़ाना, और अब बीजेपी विधायक लादूराम पिपलिया लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। रेडियोग्राफर एक ही है सर, मेरी बात सुनिए, एक ही है ना, तो बाहर भेजते हो, जब अपने पास सुविधा है तो बाहर क्यों भेजते हो? अब इनको कितना पैसा लगा है? कितना रुपया लग गया? 300, और इसमें आप कमीशन कितना खाओगे? 500। पेशेंट जमा गए घर लेटरिंग बंद कर दे, बता दें कि भीलवाड़ा के सहारा से बीजेपी विधायक लादूराम पिपलिया अपनी विधानसभा में एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन विधायक जी ने भी ऐसा निरीक्षण किया कि सीधा वायरल हो गए। साफ साफ देखा जा सकता है बीजेपी विधायक लादूराम पिपलिया डॉक्टरों को कैसे धमका रहे हैं। कह रहे हैं भगवान से तो डरो, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि विधायक जी उन्हें इस तरह लताड़ रहे हैं। दरअसल अस्पताल की खस्ता हाल व्यवस्था को देखकर विधायक लादूलाल बिफड़ पड़े। साथ ही आरोप है कि इस अस्पताल में जरूरी दवाइयां भी नहीं मिलती, एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बस फिर क्या, अस्पताल की इस अव्यवस्था पर विधायक लादूराम पिपलिया का गुस्सा फूट पड़ा और विधायक जी ने कुछ इस अंदाज में डॉक्टर साहब की क्लास लगा दी। एक मेरी बात सुनिए, कोई भी सफाई नहीं था, मेरे सुनने में आया विधायक आ रहा तब सफाई किया आप लोगों ने, और सुनो मेरी बात सुनो, रात को मेरी बात सुनिए, रात को जो मरीज आते हैं आपके पास, चार नर्सिंग स्टाफ रहता है, उनका वीजा काम नहीं करता क्या? वो किसी की सुनाई नहीं करते हैं, और पेशेंट बार बार बाहर सब डॉक्टर के घर पे जाता है और वो भी सुनाई नहीं करता है, ये जिम्मेदारी है क्या? इससे तो घर में, इससे तो अच्छा आप घर बैठ के तनखा ले लो,